हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक हेल्टर नेक वाला ब्लाउज बनाएंगे। इसमें हम बांधने वाले कॉलर बनाएंगे। ये जो ब्लाउज है ये कोमलिका स्टाइल ब्लाउज है, इसको हिना खान ने पहना हुआ था, तो इसी से इंस्पायर मैं ये ब्लाउज बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने लाइनिंग पीस लिया है और इसके साथ मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है। इस तरह के ब्लाउजेज में ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगता है क्योंकि ये स्लीवलेस रहता है और बैक में भी ये हाफ ही रहता है, तो इसको हम कम फैब्रिक से बना सकते हैं। तो अब हम लाइनिंग पीस को ओपन कर लेते हैं और इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें रेडी 14 इंच चाहिए है। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इसका शोल्डर देखते हैं। तो शोल्डर को हमें अभी ड्रॉ करना है, इसके बाद हम इसको बाद में कट कर देंगे। तो ड्रॉ हम इतना ही रखेंगे, 14 इंचेस इसका हाफ, और यही आर्म होल भी रखेंगे 7 इंच पर। इसके बाद इसका चेस्ट, 36 इंचेस है, इसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंचेस, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और अब आर्म होल पर निशान लगाएंगे। तो कॉर्नर से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। वैसे तो हमें बैक पर आर्म होल का शेप देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बैक पर आर्म होल नहीं आएगा, इसको हम कट कर देंगे। ये मैंने आपको दिखाया है लेकिन ये बाद में कट हो जाएगा। और इस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, 1.5 इंच का मैंने इस पर मार्जिन भी दिया है। अब इसका बस्ट पॉइंट देखते हैं जो 10 इंचेस पर है। ये हम सिंगल डार्ट पर बना रहे हैं और यहाँ से ये 4.5 रहेगा, 4.5 इंच पर। नीचे से इसको हम 3.5 इंच पर रखेंगे और 2 इंच का इसमें डार्ट रहेगा। अब हम तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। और इस पर शेप देंगे इस तरह से। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पर रख रहे हैं और इसकी लेंथ भी 3 इंच पर रखेंगे। तो 3x3 का हम एक बॉक्स बना लेंगे। राउंड शेप देंगे। इस तरह से। इसके बाद हम इसमें जो मेन डिजाइन है इस तरह से शेप देंगे। तो हमें आर्म होल से 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और वहाँ से हमें नेक तक कर्व देना है इस तरह से। आप चाहें तो इसको फ्री हैंड से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमें इसको शेप देना है। तो जो हमारा आर्म होल का शेप था वो मैंने कट कर दिया है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नेक कट करेंगे और यहाँ से पूरा कट कर देंगे। तो जो हमारा आर्म होल का शेप था वो इस तरह से कट हो जाएगा और ये जो हमारा डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो चुका है। यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे जो पीछे हम बांध सकते हैं। और अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट कट करना बिल्कुल ईजी है। इस तरह से हम इसको रखेंगे और जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हमें नीचे तक इसको सीधा ड्रॉ करना है और कोई भी शेप नहीं देना है।
इस तरह से हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसमें आगे की तरफ हाफ इंच का मार्जिन देंगे आई हुक के लिए। आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं। और साइड का भी मार्जिन देंगे। इसमें हम पीछे डार्ट भी लगाएंगे जो नॉर्मल हम ब्लाउज में लगाते हैं 5 इंच पर, और नीचे से भी 5 इंच पर रहेगा। तो इसमें हम डार्ट भी लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की लाइनिंग पीस पर तो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। इससे पहले हम ये जो कॉर्नर है इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे मेन फैब्रिक पर भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो बैक पार्ट पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन दिया था आई हुक के लिए, उसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा हुआ है और इसके ऊपर लाइनिंग पीस को रखेंगे। इसके बाद हम इसमें नीचे और आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे। इसको पिन अप कर दिया है और यहाँ पर मैंने नीचे और आर्म होल पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद आर्म होल पर जो राउंड शेप है इस पर हम नॉचेस लगा देंगे। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये इस तरह से आएगा। और अब हम नीचे और आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ और नेक पर भी ऊपर से लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है और जो नेक पर एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है और ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब जो हमने डार्ट बनाए थे उस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और इस सिंगल डार्ट पर भी इसका पफ बहुत अच्छा आया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी प्लेट्स डाल सकते हैं और आप कप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा ही रख रही हूँ। इसके बाद हम जो बैक पार्ट है इसको तैयार करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम बीच से कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइनिंग पीस को रखा है। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। अब हम नीचे और ऊपर सिलाई लगाएंगे दोनों पीस पर। साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है अभी। तो ये मैंने इसको पलट लिया है और ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। इसको सीधा कर लेते हैं और इस तरह से एक पट्टी हम लाइनिंग पीस की लगाएंगे और जो दूसरी पट्टी है इसमें हम मेन फैब्रिक भी लगाएंगे। इस तरह से आएगी ये। इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे इसको। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको रेडी कर दिया है और पीछे जो डार्ट बनाई थी उस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से आएगा ये। आप चाहें तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम दोनों पार्टों को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे और हम साइड से दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। जो भी आपका वेस्ट हो, इसकी वेस्ट 30 इंचेस है तो उसका 4 पार्ट लेके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है
ये इस तरह से आएगा। और बैक में इस तरह से आएगा। यहाँ पर हम आई हुक लगाएंगे। इसके बाद हम नेक पर बेल्ट लगाएंगे जो कॉलर की शेप में रहेगी। ये हमारा बचा हुआ मेन फैब्रिक है और इसमें से हम नेक के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट में पीछे बांधने वाला बना रही हूँ जो कॉलर का भी काम करेगी। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से उसकी लंबाई रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा बना रही हूँ जिससे पीछे इसका लुक भी अच्छा है। ये मैंने नेक के लिए पट्टी ली है तो इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई 35 इंचेस है और चौड़ाई 5 इंच। तो इसकी लंबाई ज़्यादा करने के लिए इसमें मैं दो पार्ट और जॉइंट कर दूंगी इसके साइड से। तो ये मैंने दो पार्ट कट कर लिए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने आगे से ज़्यादा की है तो इसे हम जॉइंट कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ इसको जॉइंट कर दिया है और अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह से और सेंटर पर मार्क करेंगे। तो ये मैंने मार्क कर दिया है। हमने ब्लाउज़ पर नेक की कटिंग की है। इसकी जितनी लेंथ है हमें उतना इस पट्टी को छोड़ना है। इस पूरे नेक के राउंड को हम मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। इसका हाफ कर लेंगे। तो अब हमने जो पट्टी पर निशान लगाया था वो हमारा सेंटर है तो हम इसका हाफ सेंटर पर रखेंगे और दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। तो इतने एरिया पर हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ हम नेक पर स्टिच करेंगे इसको। तो ब्लाउज़ के नेक पर भी हम सेंटर पर निशान लगा लेते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग पीस का फैब्रिक लिया है। इसको हम जो नेक की साइज़ है वहाँ पर इसको अटैच करना है जिससे ये कॉलर का काम करे। इस पीस को हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और इस पर स्टिच कर देंगे सेंटर में। इस फैब्रिक को हमें सेंटर पर लगाना है लेकिन याद रखना है कि इसको हमें रॉन्ग साइड पर लगाना है जिससे हम इसको पट्टी को जब पलटे तो ये अंदर की साइड हो जाए। ये मैंने इस पीस को इस बेल्ट पर अटैच कर दिया है और अब हम इस बेल्ट को रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और तीनों साइड से सिलाई लगाएंगे लेकिन हमें ये जो बीच में सेंटर है इस पर छोड़ देना है और बाद में हम इसको पलट देंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब हम बेल्ट को पलट लेंगे। सेंटर से हम इसको पलट लेंगे। इसके बाद हम इसको नेक पर अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को हमें जो नीचे साइड है उसको हमें ब्लाउज के रॉन्ग साइड पर रखना है इस तरह से, जिस तरह हम कॉलर बनाते हैं। और अब हम इसको पिनअप कर देंगे। इसको पिनअप करने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई भी लगा दी है और अब हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है वो राउंड शेप था इसलिए हम इस पर नॉचेस लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो मार्जिन है उसको हम इस तरह से
अंदर की तरफ छुपाएंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे जिस तरह हम कॉलर में लगाते हैं। तो ये हार्ड कॉलर बन जाएगी और पीछे हम इसको बांध सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस पर कॉलर लगा दी है और इस पर सिलाई भी लगा दी है ऊपर से पूरे बेल्ट पर। इस तरह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो ये हमारा हेल्टर नेक ब्लाउज़ बन चुका है और ये इसका बैक साइड है। इस तरह से इसका लुक आएगा। पहनने पर ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।